क्या वन विभाग की जमीन पर खनन करवा रहे हैं सदर विधायक? क्या चोरी के जनरेटर से क्रेशर चलवा रहे हैं सदर विधायक? क्या हाई टेंशन लाइन के नीचे ब्लास्ट करवा रहे हैं सदर विधायक? क्या अपनी ही सरकार के राजस्व को घाटे में डाल रहे हैं सदर विधायक? कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं अब अमित पालर ने, देखिए रिपोर्ट। सदर विधायक रवि शर्मा और बबीना विधायक के करीबी अमित पालर के बीच चल रही तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस पूरे मामले में अमित महाराज पालर की तरफ से भी सदर विधायक रवि शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमित महाराज पालर का यह शिकायती पत्र अब सोशल मीडिया पर तैरने लगा है, जिसके बाद झांसी में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जिलाधिकारी झांसी, SSP झांसी, जिला खनिज अधिकारी झांसी और बड़ागांव थानाध्यक्ष के नाम से वायरल हो रहे इस पत्र में अब चर्चा का केंद्र बन गया है। पत्र में सदर विधायक रवि शर्मा पर अमित पालर ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायती पत्र में लिखा है कि बड़ागांव थाना क्षेत्र के दिगारा के पास सत्य शांति मिनरल के नाम से एक क्रेशर लगा हुआ है। इस क्रेशर के मालिक सदर विधायक और उनके परिवार के लोग हैं। इसका खनन पट्टा 3 हेक्टेयर का है और इसके खनन करने की क्षमता एक साल में लगभग 30,000 घन मीटर स्वीकृत है। आरोप है कि शासन सत्ता की आड़ में बड़े पैमाने पर यहां दुरुपयोग हो रहा है। खनन नियमावली के विपरीत वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन हो रहा है। 132 KV की हाई टेंशन विद्युत लाइन के नीचे ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी जनहानि हो सकती है। प्रदूषण के मानक जमीन पर नहीं, कागजों में पूरे हो रहे हैं। गिट्टी की सप्लाई बिना रॉयल्टी की जा रही है। टैक्स चोरी करके सरकार के राजस्व को चपत लगाई जा रही है। और तो और, जिस जनरेटर से क्रेशर चलता है वह भी चोरी किया हुआ है, जो आज भी क्रेशर परिसर में रखा हुआ है। आरोप लगाया है कि रवि शर्मा सत्ताधारी दल के दबंग विधायक हैं, हमेशा अवैध असलाधारियों के साथ चार पहिया वाहनों से चलते हैं। इसी दबंगई के चलते कोई भी अधिकारी कर्मचारी इनके क्रेशर पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यदि निष्पक्ष और ईमानदारी से क्रेशर का मेजरमेंट करवा लिया जाए तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। अमित पालर ने अधिकारियों से इस मामले में अविलंब कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बबीना विधायक के करीबी कहे जाने वाले अमित पालर और सदर विधायक के बीच तनातनी चल रही है और इस तनातनी की शुरुआत कुछ दिनों पूर्व वायरल हुए एक ऑडियो से हुई थी। हाल ही में सदर विधायक के एक इंटरव्यू के बाद अमित पालर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। चर्चाएं चलीं कि अमित पालर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उन्हें लेकर थाने भी नहीं पहुँच पाई थी कि उसके पहले ही बबीना विधायक थाने पहुँच गए थे। चर्चाएँ यह भी चल पड़ी कि बबीना विधायक के हस्तक्षेप के बाद अमित पालर पर महज 151 की कार्यवाही अमल में लाई गई। बुंदेली वार्ता के एक इंटरव्यू में सदर विधायक रवि शर्मा ने किसी का नाम लिए बगैर बिना टोल टैक्स चुकाए दर्जनों ट्रकों के नियम विरुद्ध खनन के परिवहन किए जाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया था। बालू घाटों से लेकर ढाबों और सड़क किनारे खड़े दर्जनों वाहनों को पकड़कर कार्यवाही की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को लोग सियासी नजरिए से देख रहे हैं। अब इस कड़ी में पहली बार अमित पालर की तरफ से सदर विधायक के खिलाफ आरोप पत्र सामने आया है। इसके पहले भी अमित पालर की पत्नी कलेक्ट्रेट में जाकर अपने परिवार को सदर विधायक से जान का खतरा बता चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि निकाय चुनाव के बीच सदर विधायक और बबीना विधायक के करीबी रहे अमित पालर के बीच चल रही यह सियासी जंग कब तक जारी रहेगी।